कोरोना संक्रमण के इस दौर में सिंगरौली के विधायक राम लल्लू बैस ने कहा उनके इलाके में कोई भूखा नहीं रहेगा। विधायक बैस ने बड़े पैमाने पर गरीबों और असहाय लोगों के लिए राशन का वितरण आरंभ कर दिया है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद गरीब और मजदूरों पर संकट खड़ा हो गया है। लॉकडाउन के बाद बीजेपी विधायक राम लल्लू बैस ने क्षेत्र के गरीब असहाय लोगों को राशन वितरित किया। बीजेपी विधायक राम लल्लू बैस ने लोगों से अपील की है कि उनके आसपास कोई भी भूखा व्यक्ति दिखाई दे तो उसे भोजन करवाएं, हमें सूचना दें। बैस ने बताया कि लॉकडाउन का पूरी तरीके से जनता पालन कर रही है, इस दौरान क्षेत्र में किसी को भी भूखा न रहना पड़े। और उन्होंने कहा कि यदि कहीं से ऐसी सूचना आती है कि लोगों को लॉकडाउन की वजह से कोई काम धंधा नहीं मिल रहा, साथ ही लोगों को भोजन के लिए दिक्कत पड़ रही है, ऐसे लोग उन्हें सूचित करें, उन सबको उनके द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। जयंत बस्ती में गुरवानी के अनुसूचित जनजाति बैगा बस्तियों और सेलो बस्ती जयंत के वार्ड क्रमांक 14 और 17 में खाद्यान्न वितरण किया गया, जिसमें हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई देवेश पांडे जी थे, कमिश्नर नगर निगम थे, वीपी उपाध्याय थे और नगर निगम के कई कर्मचारी थे जिन्होंने गाड़ी में ले आया गया था सामान और उनको उतार उतार कर सबको वितरण किया गया। और आने वाले समय में तय हुआ कि जिन जिन बस्तियों में जिन वार्डों में ऐसे पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर लें ताकि अगले बार आए तो सही ढंग से सबको खाद्यान्न का वितरण हो सके। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।